हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हार्ड सरफेस मॉडलिंग की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम टोस्टर मॉडल करेंगे। ओके, सो इसके कुछ रेफरेंस इमेजेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इसका मेन रेफरेंस इमेज है जिसे हम फॉलो करने वाले हैं। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, हमें पता है कि इसका एक मेन बॉडी है एंड यहाँ पे एक फ्रंट पैनल है। ओके, सो ये फ्रंट पैनल इसके ऊपर लगा हुआ है तो हमें इसे प्रॉपरली यहाँ पे मॉडल करना होगा। यहाँ पे कुछ स्विचेस भी है एंड यहाँ पे एक होल है जो दोनों बॉडीज के थ्रू गया हुआ है। ओके, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। सो इमेज प्लेन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम न्यू सीन ले लेते हैं एंड न्यू सीन लेकर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मॉडल करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर डायमेंशंस की बात करते हैं तो अगर हम गूगल कर दें तो हमें एग्जैक्ट डायमेंशंस मिल जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे मैं रफ कुछ डायमेंशंस यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक क्यूब ले लिया है एंड एक्स एक्सिस में मैं इसे स्केल कर रहा हूँ 15 यूनिट्स। ओके, एंड वाई एक्सिस में हम इसको स्केल कर लेंगे 20 यूनिट्स एंड यहाँ पे जेड में रख लेते हैं 28 यूनिट्स। तो एक रेक्टेंगुलर शेप हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंड मुझे पता है कि मैंने इसे वाई एक्सिस में 20 यूनिट्स स्केल किया हुआ है। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट में वाई एक्सिस में पॉजिटिव ट्रांसलेट कर लूँ तो ये क्विकली ग्रिड पे आकर प्लेस हो जाएगा, राइट। एंड अब यहाँ पे अगर हम रेफरेंस इमेज को फॉलो करते हैं तो ये एक्चुअली आर्क है यहाँ पे। ओके, सो हमें इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें बेवल करना होगा। सो क्विकली एजेस सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एडिट मेश में आ जाते हैं एंड यहाँ से इसे बेवल कर लेते हैं। अब कीबोर्ड पे अगर हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो इसका शॉर्टकट है। ओके, सो हम बार बार यहाँ पे एडिट मेश में नहीं आएंगे, हम कीबोर्ड पे कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे शेल्फ में भी बेवल का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन में और इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ है अगर हम देखते हैं तो। सो फ्रैक्शन अराउंड, ओके, एंड सेगमेंट्स में 3 सेगमेंट्स हम यूज़ करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड देन यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऊपर का जो कॉर्नर है वो भी काफ़ी स्मूथ है। तो हम इन एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे क्विकली एंड इसे कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे एंड बेवल कर लेंगे। बट ये काफ़ी इतना ज़्यादा भी एक्चुअली यहाँ पे आर्क नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। ओके, एंड यहाँ पे भी हम सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक बेसिक सा शेप क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे एक और एक्सट्रूजन है तो ये एक्सट्रूजन भी हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। सो मैं इंसर्ट एज लुक टूल ले रहा हूँ एडिट मेश में आके एंड यहाँ पे कहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मेश टूल्स में इंसर्ट एज लुक टूल होता है। यूजुअली मैं मार्किंग मेन्यूज यूज़ करता हूँ, बहुत रेयरली मैं यहाँ पे टूल्स में आता हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस साइड तक मुझे इसे रखना है। ओके, सो मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ फॉर मूव टूल एंड हम फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं एक फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सेकेंड फेस पे डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये कम्प्लीट इसका जो रिंग है इसे सिलेक्ट कर लेगा। ओके, एंड अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँ थिकनेस में, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सट्रूजन है। अब इसे क्विकली हम बेवल कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी एंड इसमें मैं सेगमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये बेसिक शेप क्रिएट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना तो मुझे पैनल क्रिएट करना है, लेकिन पैनल क्रिएट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे टॉप एरिया इसका देखता हूँ तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली यही तक है। तो हमें इस फेस को इनसाइड एक्सट्रूड करना है और जो फेस है उसे डिलीट कर देना होगा। ओके, सो ये ऑलरेडी जब हमने बेवल किया तो देखो इनसाइड क्रिएट हो गया है। तो मैं इस फेस को पकड़ रहा हूँ और इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं एक बार नीचे। ओके, और इस फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड बाद में जब हमें ये क्रिएट करना होगा तो हम यहीं से फेसेस को डुप्लीकेट करके इसको या फिर फिल होल करके एग्जैक्टली हम उसी शेप को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें इस फेस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ एंड इस एज को सिलेक्ट करते हैं एंड इसे बेवल कर लेंगे। सो इसका फ्रैक्शन कम करते हैं। अब जब मैं इन वैल्यूज़ को ड्रैग कर रहा हूँ तो उस वक्त मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है ताकि जो वैल्यूज़ है एकदम से कम या फिर ज़्यादा ना हो जाए। ओके, अगर मैं नॉर्मली करता हूँ तो ये बहुत फास्ट मूव होती है, बट अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इन वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, ड्रैग करता हूँ माउस लेफ्ट माउस बटन से, तो यहाँ पे ये जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। ओके, सो मेक श्योर कि अगर आपको इसे स्लोली मूव करना है तो आप कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड पे,
ओके, और इसमें एक सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। एंड अब अगर मैं यहाँ पे स्मूथ करता हूँ तो ये हमें एक प्रॉपर स्मूथ सरफेस दे रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक होल्डिंग एज यहाँ पे देनी होगी, या फिर अगर मैं इन फेसेस को पकड़ लूँ, इनका हमें कोई काम नहीं है वैसे भी। सो नीचे से ऑब्जेक्ट देखने वाले हम हैं नहीं, और यहाँ पे ग्रिलिंग सेक्शन आएगा तो ये वैसे भी हाइड हो जाएगा, और नीचे में ग्राउंड प्लेन की वजह से हाइड होगा, तो हमें इस सरफेस की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। एंड अब अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास एक बेसिक शेप है। ओके, सो अब आउटलाइनर में आ जाते हैं, एंड आउटलाइनर में आके हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी ऑन योर कीबोर्ड, एंड इसे रिनेम कर लेते हैं। ये हमारा टोस्टर का मेन बॉडी है, तो इसे टोस्टर बॉडी हम सेव कर लेते हैं। एंड ये जो रहेगा, ये रहेगा टोस्टर फ्रंट पैनल। ओके, एंड मेन बॉडी को मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल एच, एंड वन प्रेस करते कीबोर्ड पे हार्ड सरफेस के लिए। अब इसे भी हाइड कर लेते हैं। इस नाम को मैं एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ क्विकली, एंड इसे मैं डिलीट कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, एंड शिफ्ट एच प्रेस कर रहा हूँ टू शो हिडन। अब यहाँ पे मैंने इसलिए एक्चुअली इसे डिलीट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डिविजन्स चाहिए। अब अगर हम इस शेप को देखते हैं ना, तो इस शेप में एक, ये शेप तो एक्चुअली प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे इसे मिरर करना हो तो यहाँ पे मुझे सेंटर में एक सेगमेंट लगेगा, डिवीजन लगेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ क्विकली यहाँ से भी। एक्चुअली मैं कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ एज सेलेक्ट करके, एंड एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। ओके, सो सेम यहाँ पे भी, एंड हमने यहाँ पे अब एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, क्विकली इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड इसको हम रीनेम कर लेते हैं जो नाम हमने कॉपी कर लिया था उससे। ओके, एंड जो टोस्टर का बॉडी है उसे मैं हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे है ना, अगर हम देखते हैं तो ये इस आर्क के तक यहाँ पे आया हुआ है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे एक एज लूप लगेगा, राइट। सो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इस एज को कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ, एजिंग यूटिलिटीज एंड स्प्लिट, तो हमें एग्जैक्टली सेंटर में एक एज लूप मिल जाएगा। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं जी प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड पे टू रिपीट लास्ट कमांड। एंड अब अगर मैं फेसेस में आता हूँ, और अगर मैं फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ ये सारे, और इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ओके, एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, इन फेसेस को भी हम डिलीट कर देंगे। अब ये जो रिमेनिंग बॉडी है इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ फ्रंट पैनल आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है, और इसे मैं शिफ्ट टच कर रहा हूँ टू शो। एंड अब अगर यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ से भी हमें इसे काटना है, राइट। तो मैं इसे आइसोलेट कर लेता हूँ क्विकली, एंड इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ। अब इंसर्ट एज लूप टूल लेने के लिए मैं यहाँ पे मैश टूल्स में नहीं जा रहा हूँ, ओके। मैंने ऑब्जेक्ट मोड में इसे सिलेक्ट करके रखा है, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड राइट क्लिक। सो जो मार्किंग मेन्यूज आएंगे वहाँ पे हमें इंसर्ट एज लूप टूल मिल जाएगा, एंड यहाँ से मैं एक एज लूप ड्रॉ कर लूँगा। ओके, फिर से मैं इन फेसेस को पकड़ रहा हूँ, एंड इन्हें हम डिलीट कर देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट मोड। अब इसे हमें थोड़ा सा एक्सट्रूड करना होगा क्योंकि इसमें थिकनेस है। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। एक तो ये जो है ना, ये स्ट्रेट गया हुआ है। अब जब हमने यहाँ पे इसे क्रिएट किया तो ये आर्क में अंदर की तरफ पलटा हुआ है। ओके, सो हमें इसे स्ट्रेट करना होगा। तो पहले तो मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। मैं वर्टाइसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रंट व्यू में आके। ओके, मुझे इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करना है। ओके, इसे छोड़ देंगे, एंड यहाँ पे आके देख लेंगे कि सारे सिलेक्ट हुए या नहीं। एंड इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट ऊपर आया हुआ है। ओके, एंड इसे सिलेक्ट करके मैं क्विकली स्केल कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे स्केल कर लिया तो ये एक प्लेन पे आ गए, एंड यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को हाईलाइट कर लिया, एंड वी प्रेस करते कीबोर्ड पे एंड इसे स्नैप कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो शेप है, ये शेप अगर मैं इसे आइसोलेट कर लूँ, तो अगर हम इसे थ्री प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से आर्क नहीं आ रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे आर्क चाहिए, तो यहाँ पे अगर हमें आर्क क्रिएट करना है तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पे सिंपली एक एज लूप ले रहा हूँ। ओके, इंसर्ट एज लूप टूल में यहाँ से वर्टिकली एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ, एंड एक एज लूप मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो वर्टाइसेस है, ये तीन वर्टाइसेस, ओके,
इन तीनों वर्टाइसेस को अगर हम मर्ज कर लेते हैं मर्ज टू सेंटर, तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आर्क मिल जाएगा। ओके, सो मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ, मर्ज वर्टाइसेस में आ रहा हूँ एंड मर्ज वर्टाइसेस टू सेंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक आर्क क्रिएट हो गया एंड मुझे पता है कि मुझे इसको इधर रखना है एंड फ्रंट सॉरी वाई एक्सिस में मुझे यहाँ पे इस वर्टेक्स पॉइंट के साथ रखना है। तो यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं इसको 3B प्रेस करता हूँ ना तो भी मुझे प्रॉपरली यहाँ पे आर्क मिलेगा। देखो यहाँ नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे परफेक्ट हमें जो आर्क चाहिए वो मिल रहा है। सो वापस 1 प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे एंड क्विकली है ना इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, है ना। एक्सट्रूड करने से पहले है ना मैं इन फेसेस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। ओके, एंड अब अगर मैं यहाँ मैश में आ जाता हूँ एंड यहाँ मिरर कर देते हैं तो मुझे पता है कि मुझे इसको एक्स एक्सिस में मिरर करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ देखता है तो ये जो डायरेक्शन में जा रहा है ये पॉजिटिव है। ओके, सो मैं इसको मिरर कर लूँगा तो ये क्विकली ऑब्जेक्ट मोड। तो यहाँ देखो अब हमारे पास एक प्रॉपर शेप है, राइट। अब ये दोनों तरफ प्रॉपरली स्मूथ हो रहा है एंड अब इसे सिलेक्ट करेंगे एंड इसको मैं एक्सट्रूड कर लूँगा थिकनेस में। ओके, ऑब्जेक्ट मोड। तो यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रंट पैनल है, राइट। अगर आइसोलेशन बंद कर दे तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा, ये देखो, राइट। सो अब यहाँ पे सिर्फ एक काम है, मुझे इन कॉर्नर्स को होल्ड करना होगा अदरवाइज ये स्मूथ हो जाएंगे, राइट। सो एजेस में आएंगे, इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, मेक श्योर कि आप कॉर्नर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो इस केस में एंड सारी चीज एक बार एजेस प्रॉपरली चेक कर लो एंड प्रेस कंट्रोल बी ऑन कीबोर्ड। ओके, ऐड वन सेगमेंट ऑब्जेक्ट मोड प्रेस 3। सो अब अगर मैं यहाँ पे आइसोलेशन बंद कर दूँ, सो यहाँ पे भी 3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रंट पैनल है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट हमें मॉडल करना है वो भी हमें देखना होगा कि क्या है। तो यहाँ पे ये स्विच है, इस स्विच को इजीली मॉडल कर सकते हैं हम और नीचे में भी कुछ स्विचेस है। अब ये स्विच तो हम डायरेक्टली वहाँ पे ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर देंगे लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है ना हमें इन्हें एक्चुअली प्रॉपर होल करना होगा ज्योमेट्री में एंड देन हमें इन स्विचेस को यहाँ पे रखना होगा, राइट। सो पहले इजी वाला कर लेते हैं जो ये मेन स्विच है इसका। ओके, सो मिनिमाइज करते हैं इसको एंड अब यहाँ पे है ना अगर मैं सिलेंडर से इसको क्रिएट करने जाऊँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिलेंडर को होती है कैप्स और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो शेप होता है उसका बटन का ये क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस से रेंडर होने वाला है सो हम इसे इजीली दो सेपरेट शेप्स में बना सकते हैं बट दो सेपरेट शेप्स में बनाने के बजाय अगर मैं इसको सिंगल ऑब्जेक्ट में बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ सिलेंडर को अवॉइड करना होगा, राइट। और उसके जगह अगर मैं यहाँ पर प्लेन क्रिएट करता हूँ, ओके, इसे हम बाहर निकाल लेंगे एंड इसे मैं क्विकली स्केल कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा ज़्यादा स्केल कर लिया है मैंने इसको एंड यहाँ पे है ना इसके जो डिवीजन है इन्हें मैं 1 कर देता हूँ। ओके, अब एक्चुअली मुझे इसमें डिवीजन्स चाहिए, काफ़ी डिवीजन्स चाहिए लेकिन मुझे मैनुअल काउंट यहाँ पर नहीं करना है इसे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, मैश में आ जाऊँगा और एक बार इसे स्मूथ कर दूँगा। जैसे हम इसे स्मूथ करते हैं ना तो जब हम फर्स्ट टाइम इसे स्मूथ करेंगे तो उसे 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देगा। सो सिंगल डिवीजन था तो उसने 4 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास 4 फेसेस है। अब अगर मैं इसको एक और बार यहाँ पे स्केल करता हूँ, डिवीजन इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे 16 डिवीजन्स हमें देगा। ओके, एक और बार अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो हमें 64 डिवीजन्स मिल रहे। तो अब अगर देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी जो यहाँ पे मैश है काम करने के लिए। सो अब ये प्लेन है और मुझे सर्कुलर शेप चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में इसको सिलेक्ट करने का एडिट मेश में आओ एंड देयर इज सर्कुलर। ओके, इसको क्लिक कर लो एंड ये सर्कुलराइज हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है
अब हमारे पास प्रॉपर मैश है, राइट। एंड अब मैं एजेस में आ रहा हूँ, ओके, इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ थोड़ा सा आउटसाइड, ओके। ओ सॉरी, बेवल करना है, सॉरी ऑफसेट में मूव करना है, नॉट बेवल। एंड ये जो एजेस है, इन एजेस को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, क्योंकि इससे हमें बटन को एक्सट्रूड करना है इन फेसेस से, ओके। इन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे क्विकली एक्सट्रूड कर लेते हैं आउट, ओके। अब इसको एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे मैं वर्टाइसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इन वर्टाइसेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे साइड व्यू में आते हैं और ये जो सेंटर के तीन वर्टाइसेस है ना, इन्हें हम छोड़ देंगे और इसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे लैटिस भी क्रिएट कर सकते थे डिफॉर्मर और उससे क्विकली नीचे मूव कर सकते थे, लेकिन अब हम मैन्युअली मूव कर ही रहे तो, एंड ये जो सेंटर का है इसे भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर देखते हैं तो एक शेप है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी गई है, हमने इसको थिकनेस नहीं दिया था स्विच को, ओके। सो एक और ऑप्शन है वैसे, लेकिन मैं अंडू कर लेता हूँ क्विकली, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं एंड इसे मैं क्विकली एक्सट्रूड कर लेता हूँ पहले तो, ओके। तो स्विच का थिकनेस क्रिएट हो जाएगा एंड अब मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। एंड अब इसे एक्सट्रूड करते हैं एंड वर्टाइसेस में आते हैं, सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लेते हैं, साइड में आते हैं और तीन को डीसिलेक्ट कर देते हैं और क्विकली सेम प्रोसेस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन्हें डीसिलेक्ट करते हैं, इसे नीचे मूव करते हैं, इसे डीसिलेक्ट करते हैं, इसे नीचे की तरफ मूव करते हैं, सेम अगेन इन्हें नीचे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ देखते हैं तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गए, सो इसे थोड़ा ऊपर करते हैं एंड सेंटर वर्टेक्स को मैं फिर से ऊपर कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ देखते हैं तो हमारे पास एक बेसिक सा स्विच का शेप है, लेकिन अगर आप इस स्विच को ध्यान से देखते हैं तो कहाँ गया, तो ये सेंटर में देखो ऐसा नैरो होते जा रहा है, राइट। तो वापस मैं वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड टॉप व्यू में आ जाते हैं, ओके। इसे मैं पहले नैरो कर लेता हूँ और फिर डीसिलेक्ट करते हुए धीरे धीरे हम एक देखो बेसिक से शेप में मैंने इसे क्रिएट कर लिया है। अब इसे हमें होल्ड भी करना होगा, राइट, क्योंकि ये स्मूथ नहीं हो रहा है। सो वन प्रेस करते हैं क्विकली एंड यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। और मेक श्योर कि आप कॉर्नर के एजेस भी सिलेक्ट कर रहे हो प्रॉपर, ओके। सारी एजेस सिलेक्ट हो चुके हैं, सो मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे। अब अगर थ्री प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये स्विच है, ओके। अब यहाँ पे भी हमें इसको भी एक्चुअली बेवल करना है, नाइस एंड टाइट, ओके। सो ये इसे होल्ड कर लेगा और ये करने के बाद है ना, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर एक एरो भी है, ओके, ये देखो, ओके। और उसके आगे एक
सर्कुलर शेप, ओके, सो हमें वो भी मॉडल करना होगा। तो एरो क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने क्यूब क्रिएट कर लिया, और अगर इस क्यूब को अगर मैं थोड़ा सा स्केल कर लूँ, ओके, एंड वर्टेक्स और इनवर्ट एक्सिस को अगर मैं स्केल कर लेता हूँ इन, या फिर इन्हें अगर हम मर्ज टू सेंटर करते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं मर्ज टू सेंटर इसे नहीं कर रहा हूँ, इसे ऐसे रखते हैं, ओके, एंड कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ मैं टू बेवल, ओके, एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे। अब अगर मैं इसको थ्री प्रेस कर रहा हूँ, सो ये प्रॉपर हमें एक एरो का शेप मिल रहा है। अब मैं इसको पीछे की तरफ ले लेता हूँ एंड इसे इसके ऊपर प्लेस कर देता है। अभी काफ़ी बड़ा हो गया, सो इसे स्केल कर लेंगे, ओके, एंड इसे रोटेट करते हैं। सो यहाँ पे हमने इसे एरो, यहाँ पे एरो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे एक सर्कुलर शेप भी चाहिए, तो सर्कुलर शेप को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम इन फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे पहले तो, और इन्हें एक्सट्रूड कर लेंगे, ओके, ऑफसेट में, तो ये इनसाइड आ जाएंगे। और यहाँ पे एक्सट्रूड करने के बाद अगर मैं एडिट मेश में आके इसको सर्कुलराइज कर लूँ वापस, ओके, सो यहाँ पे मुझे एक सर्कुलर शेप मिल जाएगा। बस ये ट्विस्टेड है, तो इसका जो ट्विस्ट है ना उसको मुझे थोड़ा सा इसे स्ट्रेट कर लेना है, ओके, ऐड करके। अब मैं वापस एक बार इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, एंड एक्सट्रूड करके इसको वापस ऑफसेट देते हैं, ओके, और इसे एक्सट्रूड करेंगे एंड इसे नीचे पुश कर देंगे, ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, एज सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, एंड कंट्रोल बी टू बेवल, ओके, यहाँ पे क्विकली मैं फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहा हूँ एंड सेगमेंट्स में दो सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं। अब एक बार थ्री प्रेस करके देखते हैं, ओके, नाइस एंड क्लीन, ओके, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का अगर हम देखते तो जो शेप है एक्चुअली वो काफ़ी क्लीन है, ओके। अब इसमें हमें एक स्पीयर प्लेस करना है, तो एक स्पीयर क्रिएट कर लेंगे, इसे बाहर मूव करते हैं क्विक, ऊपर की तरफ लेते हैं, ओके, अब इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड कंबाइन कर लेंगे क्विकली, ओके, अब इसे नाम दे देंगे पहले तो, ये हमारा बटन है, सो टोस्टर बटन, ओके, एंड इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, अननेसेसरी हिस्ट्री रखेंगे नहीं, और इन दोनों को भी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, ओके। अब पहले तो मुझे इसको स्केल करना है, ओके, रोटेट करना है। इसे रोटेट करते वक्त है ना, इधर हम यहाँ से एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर मैं जे प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, प्रेस एंड होल्ड, ओके, सो ये 15 डिग्रीज के इंटरवल में इसे रोटेट करेगा। अब मुझे इसे पोजीशन करना है, तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ पहले तो, एंड इसका जो पोजिशन है यहाँ पर आइसोलेट है, ओके, सो ये बंद कर देंगे, और इसको पहले तो स्केल करेंगे, बहुत बड़ा हो गया, ओके, इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेस कर रहा हूँ, ओके, अब ओके एंड थ्री। सो यहाँ पे हमने मेन जो इसका स्विच है वो भी मॉडल कर लिया, फ्रंट पैनल का शेप ले लिया और बेसिक डिज़ाइन कर लिया, राइट। तो आज यहीं पे रुकते हैं, इस वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे,
एंड आज इवनिंग 5:30 को तो ये वीडियो अपलोड हो ही जाएगा, हो रहा है, एंड नेक्स्ट इवनिंग, कल इवनिंग 5:30 हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं। ओके, तो ये कंटिन्यू सीरीज, जब तक टोस्टर मॉडल नहीं हो जाता तब तक डेली हम वीडियोज़ अपलोड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ तक करके देख लो, और अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए तो मैसेज करो या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।